वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट लेशन का एक पैराग्राफ स्टडी किया और उस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि जो महेश, जिसका गफूर का जो बैल है महेश, वो तुड़वा करके वहाँ से और वो किसी दूसरे के खेतों में चला जाता है और खेतों में क्या जो लैंडलॉर्ड्स के खेत हैं वहाँ पे वो चला जाता है, जमींदार है उसके खेत आसपास में, वहाँ वो चला जाता है और वहाँ जा करके और कोई फसल को जो है या जो भी वहाँ उगा हुआ उसको नष्ट कर देता है और वहाँ लोग उसको मिल करके और उसको पकड़ लेते हैं। किसको? महेश, जो उसका बैल है ना, उसको पकड़ लेते हैं। उसके जस्ट बाद में क्या होता है, पकड़ करके वो महेश को जो है वहाँ बांध देते हैं। बांध करके उसके जस्ट बाद में गफूर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और गफूर वहाँ जाता है। अब सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि गफूर को माफ़ कर दिया जाता, ओके, सिब्बू बाबू जो जमींदार है उसके द्वारा गफूर को माफ़ कर दिया जाता। बट कुछ टाइम पहले जब सिब्बू बाबू या जो जमींदार है, उस जमींदार का जो मैसेंजर है, वो वहाँ जाता है गफूर के पास में और उसको ये कहता है कि जमींदार ने आपको बुलाया है, तो उसको मना कर देता कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं और हम यहाँ रेंट चुकाते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस बात को लेकर के और जो जमींदार है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट है, चिड़चिड़ा हुआ है, या उसका क्यों कह सकते हैं कि जमींदार को उस बात पे भयंकर रूप से जो गुस्सा आ रहा था और वो किसी न किसी तरीके से जो गफूर है उससे वो बदला लेना चाहता है या उसके साथ मिसबिहेव कह सकते हैं वो करना चाहता है, उसको टॉर्चर करना चाहता है। ये सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई थी और जब उसको वहाँ बुलाया गया, इसको गफूर को, तो गफूर के साथ में उन्होंने मारपीट की ढंग से, ओके, और मारपीट करने के बाद में वो जो है गफूर को वहाँ से छोड़ते हैं या उनको उसको जो है घर जाने के लिए कहते हैं, ओके। और कंडीशन ये हुई कि बिना किसी विरोध के गफूर ने उनकी पिटाई को सहन किया, गफूर ने उनकी जो टॉर्चरनेस है, ओके, उसको सहन किया और भयंकर रूप से उसके जो मान लो चेहरा है, आंखें हैं, वो सब सूजी हुई थी, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो गरीब इंसान था, इसलिए ये समझ के उसको छोड़ दिया गया। और उसके जस्ट बाद में जो है वो अपने घर आ गया और घर आकर के वो किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी बेटी थी घर पे और आकर के चुपचाप जो है वो बैठ गया, ओके। इस प्रकार से उसका जो है वो किसी से बोल नहीं पा रहा था, घर पे आकर सुनसान जगह पे कॉर्नर में बैठ जाता है और किसी से कोई अपनी बेटी से कोई बात नहीं करता है, बेटी सारी बात समझ चुकी है। अब इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा जो एटमोसफियर चेंज होता है वो देखो उसमें क्या होता है, आगे देखिएगा। Let's see the next paragraph of the lesson drought. He was suddenly shaken out of his listlessness by the streak of a girl. अब अचानक क्या, वो जब वहाँ से आया तो एक तरह से बेहोश की कंडीशन में वो हो गया था, बेहोशी उसकी छा रही थी और वो सूना होके पड़ा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद में क्या होता है, he was suddenly shaken out, shaken out में झकझोड़ देना, of his listlessness means बेहोशी जो है, उस बेहोशी को किसी के द्वारा झकझोड़ दिया जाता या झकझोड़ दिया गया by the streak, streak means the cheek of a girl, एक गर्ल की चीख ने जो उसको झकझोड़ दिया। और चीख क्यों निकली, इसका रीजन देखिएगा आगे। She was prostrated, prostrated का मतलब होता है मुंह के बल गिरी हुई, तो वो जो है मुंह के बल गिरी हुई थी, ओके, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर जो है मुंह के बल गिरी हुई थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि इस कंडीशन में, मतलब जब आदमी बिना होशो हवास के, बिना सोचे समझे जब कोई डिसीजन लेता है, इमिडिएटली कोई डिसीजन लेता है, तो उसके साथ में हमेशा जो है वो मैक्सिमम कंडीशंस में बुरा होता है, ओके। तो बिना सोचे समझे हमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सिचुएशन जो है उसको अंडरस्टैंड करके, सिचुएशन को जो है एक तरह से समझ करके, फील करके ढंग से, और उसके बाद हमें लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, गुस्से में डिसीजन लेते हैं, ओके, बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा होता है। तो ये हमें आगे जो स्टोरी में स्टडी करेंगे उसके अंदर हमें पता चलेगा कि महेश के द्वारा, मतलब जो महेश जो बैल है उसके बारे में जो गफूर है उसने जो डिसीजन लिया वो गलत था, ओके, और इस डिसीजन की वजह से उसने एक परिवार का मेंबर है उसको खो दिया, मतलब महेश को खो दिया उसने। ये हम आगे स्टडी अभी करने वाले हैं, तो हमें भी लाइफ में ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी डिसीजन हम लें तो सोच समझ के डिसीजन लें, कभी गुस्से में, कभी खुशी में,
हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट। द टीचर, अब ये बच्ची जब मौके पर गिरी तो उसको ये आभास हुआ कि शायद जो महेश है ओके उस महेश ने उसको गिरा दिया था ओके। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया था, किसको, महेश को छोड़ दिया गया जमींदारों के द्वारा इस गफूर की पिटाई करके, और महेश जो है उसको घर पे लाके बांध दिया गया एक तरह से। तो उसने क्या सोचा कि शायद महेश जो है उसने ही ऐसा किया है। तो देखना कई बार क्या मिसअंडरस्टैंडिंग में कई प्रकार के डिसीजंस हैं वो गलत हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सी वॉज प्रोस्ट्रेटेड, वह मौके पर गिरी हुई थी ऑन द ग्राउंड जमीन पर। द टीचर विच सी हैड बीन कैरिंग, टीचर इज घड़ा, जो घड़ा वो लिए हुई थी टम्बल्ड ओवर, वो घड़ा क्या हो गया, लुढ़क गया था, टम्बल्ड ओवर मीन्स गिर गया था, लुढ़क गया था। एंड महेश वॉज सकिंग, सकिंग का मतलब होता है ड्रिंकिंग, पी रहा था। तो महेश पी रहा था क्या, द वॉटर एज इट इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो वॉटर टीचर से घड़े से जो नीचे बहा या नीचे गिरा धरती पर गिरा उसको महेश पी रहा था। तो अब क्या है, बिना सोचे समझे उसने जैसे बच्ची गिरी और वो महेश पानी पी रहा है, तो इसने क्या सोचा गफूर ने कि शायद किसने, महेश ने जो है इसको गिरा दिया है पानी के चक्कर में, या पानी पीने की वजह से महेश जो है उसने घड़ा नीचे गिरा दिया। इस बात को लेकर के उसको भयंकर गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले से एक तो गुस्से में हो, क्योंकि इसकी पिटाई जमींदार के द्वारा की गई थी, उस बात को लेकर भयंकर गुस्से में है, और अब ये दूसरा जो काम है किसने कर दिया, महेश ने गलत काम कर दिया, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने देखो आप देखा ना ताव, और उसने बाद में क्या किया, वी विल स्टडी। गफूर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूर्ण रूप से क्या आउट ऑफ माइंड हो गया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर, कि अचानक ये बच्चे की चीख कैसे निकली, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, किसका, गफूर का। और गफूर ने क्या किया, विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना इंतजार किए अगले ही क्षण जो इसने क्या किया, अनदर मोमेंट दूसरे क्षण, ही सीज्ड हिज प्लो हेड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर एंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश। क्या किया किसने, गफूर ने, देखो बिना सोचे समझे उसने कितना बड़ा डिसीजन लिया, उसका कितना बड़ा उसको लॉस उठाना पड़ा, ये हम स्टडी करेंगे। विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए, अनदर मोमेंट दूसरे ही क्षण, ही सीज्ड उसने एक तरह से पकड़ा या जकड़ा किसको, हिज प्लो हेड, प्लो मींस होता है हल, हल का जो ऊपरी हिस्सा है उसको उसने पकड़ा हाथ में, और उसके बाद क्या किया, ही हैड लेफ्ट यस्टरडे, जिसको उसने कल छोड़ दिया था यहाँ पर रख दिया था, फॉर रिपेयर, इसके लिए रिपेयर के लिए, एंड विद बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से क्या किया इसने, स्ट्रक इट उसको दे मारा, इट वॉयलेंटली हिंसक रूप से ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश के झुके हुए सिर पर उसने जो है उसे हेड, जो ये प्लो हेड है मतलब हल का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी बहुत भयंकर रूप से कह सकते हैं, टेरिबली कह सकते हैं, वॉयलेंटली कह सकते हैं, उसने महेश के सिर में दे मारी। क्यों, उसने क्या सोचा कि शायद ये काम किसने किया है, महेश ने किया है, बच्ची को जो है महेश ने गिराया है, तो उसने आप देखा ना ताव, और वहां से जो है हल्का ऊपरी जो हिस्सा है उसको उठाया, और उठा करके और अपने दोनों हाथों से बहुत तेज गति से हिंसक रूप से महेश के झुके हुए सिर पर, महेश पानी पी रहा था, उसका सिर झुका हुआ था, उसके झुके हुए सिर पर इतना बुरी तरह से मारा। हुआ क्या आगे देखो, मारने के बाद वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड, केवल एक ही बार महेश ने अटेम्प्टेड मीन्स प्रयास किया टू रेज हिज हेड, अपने सिर को उठाने का जो है उसने एक बार तो प्रयास किया, बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग, इमीडिएटली तुरंत स्टार्विंग भूखा मरता हुआ या भूख से पीड़ित जो है लीन बॉडी झुका हुआ जो शरीर है, स्टैगरिंग मीन्स लड़खड़ाता हुआ टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिर गया। तो भयंकर रूप से उसके सिर में मारा गया, एक बार उसने सिर उठाया, उसके जस्ट बाद उसका पूरा बॉडी जो उसने काम करना बंद कर दिया, और महेश जो है लड़खड़ाता हुआ जो है वो जमीन पर गिर पड़ा। ओके, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, खून की कुछ बूंदें, फ्यू ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन्स बूंदे, ब्लड मीन्स खून, खून की कुछ बूंदे हैं क्या हुआ, रोल्ड डाउन, को लुढ़क पड़ी नीचे, खून की बूंदे जो है उसके सिर से टपकने लगी। ओके, और फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से भी खून आ गया। ओके, सिर में जब मारी तो कानों से जो है खून की बूंदे हैं वो टपकने लगी, या खून की बूंदे हैं वो लुढ़कने लगी। हिज होल बॉडी सू, उसका संपूर्ण जो शरीर है वो हिलने लगा, हिला एक दो बार, हिला वंस और ट्वाइस, वंस मींस एक बार, ट्वाइस मींस
दो बार, उसका शरीर जो है एक या दो बार तो हिला, एंड देन स्ट्रेचिंग, और उसके जस्ट बाद में जो है फैले हुए, क्या फैले हुए, द फोर एंड हाइंड लेग्स, फोर मींस पिछले आगे और पिछले वाले, फोर एंड हाइंड का मतलब है आगे और पिछले वाले जो लेग्स हैं, फोर एंड हाइंड लेग्स मींस आगे और पिछले वाले जो लेग्स हैं, मतलब फोर का मतलब पहले या पिछले वाले, हाइंड मींस ये हाइंड, फोर और हाइंड दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इसके जो शाब्दिक अर्थ अपन कह सकते हैं वो है आगे और पिछले वाले जो पैर हैं, अगले और पिछले, तो फोर का मतलब अगले और हैंड मींस पिछले, तो अगले और पिछले जो पैर हैं वो एक तरह से क्या हुआ उनका लेग्स, एज फार एज दे वुड रीच, जहां तक वो पहुंच सकते थे वो पहुंच गए, कहने का मतलब जो पहले वाले या अगले वाले जो पैर हैं वो तो अपनी साइड में हो गए और पिछले वाले पैर पिछले साइड में हो गए, कहने का मतलब जो पैर जिस दिशा में थे, पिछले पैर पिछले की तरफ या पीछे की तरफ, और आगे वाले पैर आगे की तरफ जो है, एक तरह से अपन जिसको स्ट्रेच कहते हैं, पसरना कहते हैं, फैलना कहते हैं, वो फैल गए पूरी तरह से, ओके, तो ये कंडीशन हो गई उसकी, एज फार एज दे वुड रीच, जहां तक वो पहुंचते या पहुंच सकते थे वहां तक वो पैर फैल गए पूरी तरह से, और महेश फैल डेड, और महेश मृत होकर के गिर पड़ा, ये कंडीशन हुई। तो कहने का मीन्स यह क्या है कि हमें जल्दबाजी में इमीडिएटली क्विकली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें पहले सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, बच्ची रोई नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको देखना चाहिए था कि बच्ची रोई तो किस कारण से रोई, कौन सा रीजन हुआ कि बच्ची को रोना पड़ा या बच्ची को रोने के लिए मजबूर होना पड़ा, डायरेक्ट उसका जो डिसीजन है उसको ये नहीं लेना चाहिए था कि शायद महेश ने जो है इसको मारा है, और उसने क्या सोचा कि महेश ने इसको मारा है, तो ये सरासर जो है उसका डिसीजन लेना गलत था, और उसने आप देखना था बिना सोचे समझे क्या किया उसने, महेश के सिर में दे मारा और उसको मौत की नींद सुला दिया। तो ये चीज यहाँ थोड़ी सी गलत है कि हमें डिसीजन जो लें, हम जो भी लें उसको समझ के लें। और उसके बाद जो है उसकी बेटी आई है तुरंत भाग करके, उसने क्या कहा, व्हाट हैव यू डन फादर, पापा आपने क्या कर दिया, आवर महेश इज डेड, आवर महेश इज डेड, ओके, हमारा जो महेश है वो क्या हो गया डेड, मतलब वो मर गया है, मृत है वो। अमीना ब्रस्ट आउट वीपिंग, अमीना जोर जोर से रोने लगी, ब्रस्ट आउट वीपिंग मीन्स जोर जोर से रोने लगी, गफूर डिड नॉट मूव, न तो गफूर हिला, नॉर आंसर, और नहीं उसने कोई उत्तर दिया, ओके, उसको कोई उत्तर नहीं दिया, ही रिमेंड स्टेरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी आईज, क्या किया उसने, ही रिमेंड वो रहा स्टेरिंग, मतलब एक तरह से एक नजर से देखना, घूर करके देखना, एक ही तरफ देखना, तो एक तरफ वो देखता रहा घूर करके, विदाउट ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग झपकाना अपनी आंखें जो है, पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी आईज, पैर मीन्स जोड़ा, मोशनलेस निश्चल या स्थिर जो कह सकते हैं, बीडी मीन्स मोतियों जैसी जो उसकी आंखें हैं उनको बिना झपकाए वो एक जगह स्थिर होकर के देखता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया, व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या कर दिया ये, तो पाप इसको जिसकी बेटी उसने क्या बोला था कि व्हाट हैव यू डन फादर, तो वो भी सोच रहा कि मैंने क्या कर दिया, व्हाट हैव आई डन, बिफोर टू आवर्स वर आउट, और दो घंटे पहले महेश मर गया, और महेश के मरने के बाद में दो घंटे भी नहीं हुए हैं, द टेनर्स, टेनर्स का मतलब है जो खाल उतारने वाले हैं, कसाई हैं, लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, वो जो है गांव के अंत में जो है जो किनारा है वहां पर वो रह रहे थे, वहां से वो आए, कैम मींस आए, क्राउडिंग इन भीड़ में एक तरह से, एंड मतलब दो चार एक साथ आए, भीड़ का मतलब यहाँ यह है, तो भीड़ में एक तरह से दो चार बंधु एक साथ जो आए हैं, एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बंबू पॉल, और महेश को जो है वो ले गए हैं किस पर बांध करके, बांस का जो पॉल है खंबा है उस पर बांध करके, और महेश को ले गए हैं, मतलब महेश को वो खाल उतारने के लिए ले गए हैं, कहने का मतलब यहाँ पर गफूर ने जो है महेश को मौत की नींद सुला दिया जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये हुआ कैसे, इसके लिए हम एक ही एस्टिमेशन कर सकते हैं, एक ही एंटिसिपेशन हम लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अगर गफूर ये देख लेता कि बच्ची क्यों रोई, थोड़ा सा जाकर के वहाँ चेक कर लेता कि बच्ची पानी लेके आई या कितना पानी लाई या इसको महेश को पिलाया नहीं पिलाया,
और महेश ने इसको मारा है या नहीं मारा है, मतलब उसको गिराया या नहीं गिराया है, ये जाकर के अगर गफूर देख लेता तो ये जो नौबत आई अभी महेश को मारने की ये नहीं आती और उनके परिवार से एक मेंबर जो है वो नहीं जाता, उसको मौत नहीं आती। तो अब बिना सोचे समझे जो डिसीजन लिया ना गफूर ने, उसकी वजह से उनके परिवार का एक मेंबर जो है वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया। तो ऐसा हमें भी डिसीजन जब लें तो सोच समझ के डिसीजन हमें लेना चाहिए। कई बार बिना सोचे समझे डिसीजन लेने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में क्रिएट हो सकती है, ओके, और जिसका हमें लास्ट में पश्चाताप के अलावा हमारे पास में कुछ नहीं बचता है। तो ये स्टोरी हमें, ये पैराग्राफ हमें ये भी सीख देता है कि हम डिसीजन जब भी लें सोच समझ के लें, ज़्यादा खुशी में ज़्यादा गम में जो है हमें डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये हमें इस पैराग्राफ से एक सीख मिलती है जो लाइफ में हमेशा हर किसी के काम आती है, ओके। अब हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। तो लेट्स सी द ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। हम इसको ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग जो स्टडी करेंगे। ही वाज सडनली शेकन आउट, उसको एक तरह से झकझोर दिया गया। तो यहाँ पर वोज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस हो गया, उसको झकझोर दिया गया। ऑफ हिज लिस्टलेसनेस, जो उसकी बेचैनी है उसके द्वारा या उसकी जो बेचैनी है उसको झकझोर दिया गया। तो बेचैन हो रहा था, एक तरह से पड़ा हुआ था एक जगह, अब वो झकझोरने का मतलब उसको एक तरह से जगा दिया गया। वो तरह से नींद में से था, वैसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो एक तरह से क्या था, वहां से पिटाई खाने के बाद, जमींदार के यहाँ से उसकी पिटाई करने के बाद आकर के बिल्कुल चुपचाप बैठ गया था। तो एक तरह से बेचैन की अवस्था में था, उसको एक तरह से बेहोशी सी छा रही थी। रिस्टलेसनेस का मतलब बेहोशी, तो बेहोशी की अवस्था से उसको झकझोर दिया गया, मतलब एक तरह से उसको बेहोशी से वो कॉन्शियसनेस में आया। उसको जो है किसके द्वारा, श्रिक मींस चीख, एक लड़की की जो चीख है, उसकी जो लड़की है उसकी चीख ने उसको झकझोर दिया, मतलब उसकी जो बेहोशी है वो खुली। सी वॉज प्रोस्ट्रेटेड, वो मुंह के बल गिरी हुई थी, ओके। तो यहां पर भी पास्ट टेंस है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, द फीचर, जो घड़ा है, विच सी हैड बीन कैरिंग, जो घड़ा है जो वो लिए हुए थी, कौन, उसकी लड़की, या लेकर के वो जा रही थी, टम्बल्ड ओवर, वो गिर गया। एंड महेश वॉज सकिंग, और महेश जो है उसको पी रहा था पानी को, अब द वॉटर, उस पानी को पी रहा था, एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो पानी नीचे बहा, इट फ्लोड, मीन्स बहा, पास्ट सिंपल टेंस, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो पानी बहा ना घड़े में से, उसको कौन पी रहा था, महेश पी रहा था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। और यहाँ पर ये क्या, कौन सा हो गया, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ओके। क्योंकि जो महेश है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया, और फर्स्ट आईएनजी तो सब में आता है, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, वो डिफरेंट टाइप की लगती है। यहाँ अगर प्लूरल होता तो हेल्पिंग दूसरा लगता, ये सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग यहाँ पर वोज लग रहा है, ओके। गफूर वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, गफूर जो है पूर्ण रूप से आउट ऑफ माइंड था, उसका माइंड वहां काम नहीं कर रहा था। विदाउट वेटिंग, बिना इंतजार किए हुए, यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया, बिना इंतजार किए, अनदर मोमेंट, दूसरे क्षण का, ही सीज्ड, उसने पकड़ा, यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया, एस ई आई जेड ई, तो ये यहाँ फर्स्ट फॉर्म था, डी लगने सेकंड फॉर्म बन गया, थर्ड फॉर्म यही होता है। तो उसने जो है क्या पकड़ा, प्लो हेड, प्लो मींस हल, हल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको उसने पकड़ा, ओके। ही हैड लेफ्ट, जो उसने छोड़ दिया था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर रिपेयर, रिपेयर के, उसने कल जो हल्का जो ऊपरी हिस्सा छोड़ा था आज उसने उसको पकड़ा। एंड बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से क्या किया, स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हैंड ऑफ महेश, स्ट्रक मींस दे मारा, चोट पहुंचाई उसने वायलेंटली, हिंसक रूप से, इस पर, ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश का जो झुकावा शरीर, झुकावा सिर है, उस पर उसने बुरी तरह से उस हल्की दे मारी, या हल्का जो ऊपरी हिस्सा है उसकी दे मारी, और बहुत ही जोर से मारी, तो ऑन द स्पॉट महेश जो है वो मर गया। ऑन वंस ओनली महेश, एक बार महेश जो है
उसने क्या किया, अटेम्प्टेड, प्रयास किया, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, एक बार प्रयास किया उसने टू रेज हिज हैंड, अपने सिर को उठाने का। ओके तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टू इन्फिनिटिव यहाँ लिखा हुआ है, बट इमीडिएटली लेकिन तुरंत हिज स्टार्विंग लीन बॉडी, उसका जो स्टार्विंग भूखा मरता हुआ शरीर है, जो पहले से भूखा मर रहा था, लीन मीन्स दुबला पतला कह सकते हैं, झुका हुआ शरीर कह सकते हैं, यहाँ पर लीन मीन्स झुका हुआ जो बॉडी है उसका, वो झुका हुआ भी कैसे है, भूख के मारे बिल्कुल उसकी हालत खराब है, स्टार्विंग भूखा मरता हुआ। फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से जो है, सॉरी यहाँ पर है हिज लीन बॉडी स्टैगरिंग, वो लड़खड़ाता हुआ बिल्कुल वो ग्राउंड पे एक तरह से गिर गया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, ब्लड की कुछ बूंदे जो है रोल डाउन, वो लुढ़क पड़ी फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से। तो ये कंडीशन हुई इसकी, तुरंत सिर में मारते ही जो है उसके कानों से खून बहने लगा, इतना जोर से जो है उसने, किसने, गफूर ने उसको मारा। हिज होल बॉडी सूख, उसका संपूर्ण जो शरीर है वो हिलने लगा। तो यहाँ पर भी क्या है, वो आपके सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस, एक बार हिला, दो बार हिला, वंस और ट्वाइस, वंस मीन्स एक बार, ट्वाइस मीन्स दो बार, तो एक या दो बार उसका शरीर हिला है, उसके जस्ट बाद में क्या हुआ, देन स्ट्रेचिंग, फिर फैलते हुए या फैलाते हुए फोर एंड हैंड लेग्स, फोर मीन्स अगले, हैंड मीन्स पिछले, तो आगे और पिछले जो पैर हैं उनको हिलाते हुए, या वो हिला रहा है, अपने आप हिल रहे हैं, एज फार एज दे वुड रीच, जहां तक वो पहुंचते वहां तक वो पहुंच गए, पिछले वाले पैर पीछे की तरफ, आगे वाले आगे की तरफ, और जो महेश है वो एक तरह से मर गया था, मृत हो चुका था, महेश फेल डेड, महेश जो है वो मृत था बिल्कुल, उसकी कंडीशन एक तरह से मृत व्यक्ति की तरह, मृत जानवर उसकी तरह हो गई थी। अब अचानक जब पता चला एमिना को, तो एमिना ने क्या कहा कि पापा आपने क्या कर दिया, व्हाट हैव यू डन महेश, तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि पापा ये आपने क्या कर दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए था, आवर महेश इज डेड, हमारा जो महेश है वो मर चुका है या मृत है। तो यहाँ पर इज जो है वो मैन वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया गया है। ओके और ये जो है एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ पर महेश ही डेड है, डेड कौन है, महेश है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके इसके जस्ट बाद देखिएगा, एमिना ब्रस्ट आउट, एमिना जोर जोर से है वो रोने लगी, ब्रस्ट आउट बीपिंग मीन्स जोर जोर से रोने लगी है, तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। कफूर डिड नॉट मूव, कफूर बिल्कुल भी नहीं हिला, तो क्यों नहीं हिला, क्यों, उसको पता चल गया कि मैंने इसको मार दिया, मैं ही इसको मारने वाला पापी हूँ, तो डिड नॉट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, मूव, और डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव ये सेंटेंस है, न तो वो हिला, न उसने एमिना को जवाब दिया कि ये मैंने किया है। ओके ही रिमेंड, रिमेंड मीन्स रहा, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस है, कैसे रहा वो, कौन, गफूर, तो ही रिमेंड स्टेरिंग, वो बिल्कुल देखता रहा विदाउट ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स झपकाए हुए, किसको, ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी आईज, अपनी जो मोती जैसी आंखें हैं, निश्चल आंखें हैं, उनके जोड़ों को बिना झपकाए हुए वो एक तरफ देखता रहा, स्थिर नजरों से देखता रहा कि ये मैंने क्या कर दिया, उसको पता चल गया था कि मैंने जो है वो महेश को मार दिया था। ओके तो उसकी आंखें बिल्कुल सूनी हो गई, और आपको कर भी कह सकता था वो, बिफोर टू आवर्स, दो घंटे लगे नहीं, दो घंटे में ही जो है क्या हुआ, दो घंटे पहले पहले वर द ट्रेनर्स, टेनर्स वर का यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पर टेनर्स मीन्स खाल खींचने वाले या खाल उतारने वाले जो कसाई हैं, वो पासी के गांव में जो है लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज, वो गांव के अंत में जो है किनारे पर रहते हैं, कैम वो आए, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, वो आए क्राउडिंग, तो तीन चार लोग आए हैं, और कैरिड ऑफ ले गए, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस, इसको लेके महेश को ऑन ए बंबू पोल, एक बांस का जो पोल होता है, पोल का मतलब खंबा जो होता है, उस पर बांध करके, और वो महेश को जो है ले गए हैं खाल उतारने के लिए। तो इस प्रकार से हमने ये स्टडी किया कि एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं, उसकी वजह से जो है गफूर ने अपने परिवार का एक मेंबर जो है वो खो दिया। अगर वो थोड़ा सा देख लेता है यहाँ पर कि आखिर ये इस महेश की जो है कारस्तानी है, या महेश ने ऐसा किया है, या अपने आप ही बच्ची गिरी है, तो शायद ऐसा इतना बड़ा हादसा जो है वो उसके हाथों नहीं होता, बट उसने देखा नहीं, और उसके नहीं देखने की वजह से इतना बड़ा हादसा जो है हो गया।
तो रिमेनिंग इसका पार्ट हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना अपना उसके अंदर स्टडी करेंगे और आप इसकी लर्निंग करेंगे, इसके जो फॉर्म वगैरह उनको देखेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, टेंसेज जो जो यूज किए गए उनका स्टडी करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका रिमेनिंग पैराग्राफ और स्टडी करेंगे। सो यू इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।